हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस वीडियो में आज हम जो SBI क्लर्क का एक रिमाइंडर देने वाला हूँ मैं, और सेकेंड RRB PR क्लर्कों को लेकर काफ़ी सारी क्यूरियस है कैंडिडेट्स की, क्योंकि मेंस का पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना था उसको लेकर पूरा डिस्कशन करूँगा। सबसे पहले मैं SBI क्लर्क का एक रिमाइंडर देना चाहूँगा कि जैसा कि आपने से कई सारे कैंडिडेट का क्वालिफाई नहीं हुआ था RRB, तो वो सारे कैंडिडेट्स ने अभी पढ़ाई करना बंद कर दिया है, तो मैं उन सभी को बोलना चाहूँगा अपनी स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। जैसा कि रूमर्स है कि 1 या 3 अक्टूबर को उसका मेंस होने जा रहा है, तो मैं आपको रेफरेंस देना चाहूँगा कि जैसा कि प्रीवियस ईयर में हुआ था कि 22 अक्टूबर को उसका रिज़ल्ट रिलीज़ किया था, और उसी दिन उसके एडमिट कार्ड भी आ गए थे, और 31 को उसका जो मेंस था वो हो गया था कम्प्लीट। तो 8 डेज़ में पूरा कंप्लीट प्रोसीजर हो गया था। तो दिस ईयर भी ये पॉसिबिलिटी है कि 22 सितंबर के अप्रॉक्स 23 को वो रिज़ल्ट अनाउंस करके 1 अक्टूबर को या तो फिर 3 अक्टूबर को उसका पेपर हो जाए। तो आपको GA और ये सब कुछ और टेस्ट वगैरह देते रहना है अभी भी, और GA की प्रैक्टिस करते रहना है, GA जितना उतना आपको रिवाइज करते रहना है। और रही बात RRB PO और क्लर्क के जो मेंस में अपियर होने वाले हैं उन कैंडिडेट्स की, तो उनका मैं बोलना चाहूँगा अगर आप हिंदी से दे रहे हो तो पहले ही मैं आपको अवेयर करना चाहूँगा इस बात से कि लास्ट ईयर भी जो हिंदी था क्लर्क का काफ़ी टफ आया था, और जो PO का था वो मॉडरेट था। किसी का कंपेयर किसी से मत कीजिएगा कि किसके कितने मार्क्स आए थे, कुछ लोगों के तुक्के भी लग जाते हैं। तो मैं बस इतना ही बोलूँगा कि आप थोड़ा हिंदी देख के लीजिएगा, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी भी ठीक ठाक है तो आप इंग्लिश से ही दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हिंदी थोड़ी सी टिपिकल है, क्योंकि हिंदी में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमको पता होते हुए भी नहीं पता होते हैं, तो मिस्टेक हो जाती है वो काफ़ी सारे। जिनकी हिंदी स्ट्रांग है उनको भी मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप 16-17 स्कोर कर सकते हो इंग्लिश में तो फिर इंग्लिश ही लीजिएगा, और अगर आपको लग रहा है कि हिंदी में ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो आप फिर हिंदी ले सकते हो। नहीं तो आप UPSC के जो प्रीवियस ईयर के CSET पेपर हैं उसमें से देखकर आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर भी थोड़ा सा टफ़ सेक्शन रह सकता है इस बार, क्योंकि लास्ट ईयर भी टफ ही आए थे दोनों ही इसमें, जैसे क्लर्क में भी और PO में भी। तो अगर आपको उसकी प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए आप किरण पब्लिकेशन की IT ऑफिसर की बुक आती है, या तो वो प्रीफर कर सकते हो, नहीं तो एक लूसेंट भी आती है, लेकिन लूसेंट में बेसिक दिया हुआ था, लेकिन आजकल जो पैटर्न बदला है एग्ज़ामिनेशन का वो थोड़ा सा लेवल हाई कर दिया है, तो आपको थोड़ा सा IT लेवल का ही पढ़ना पड़ेगा, उसके अंदर नेटवर्किंग वगैरह DBMS वगैरह तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा ये। और GA तो आपने प्रिपरेशन कर ही ली होगी। तो ये था एक रिमाइंडर को लेकर। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।